आप सब, मैं अनीता आज आपके सामने म्यूजिक के बारे में कुछ बातें लेकर आई हूँ। म्यूजिक एक बहुत बड़ी और बहुत स्ट्रॉन्ग संरचना है। म्यूजिक हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम दुखी होते हैं तो म्यूजिक सुन लेते हैं, जब हम अकेला फील करते हैं तो म्यूजिक सुन लेते हैं, जब हमें किसी की याद आती है तब हम म्यूजिक सुन लेते हैं। म्यूजिक में एक ऐसी शक्ति है जो एक ऐसा हौसला हमें देती है जिससे हमारे अंदर हिम्मत आती है और हम उस तनाव से जिसकी वजह से हम परेशान हैं उससे हम धीरे धीरे हमें रिलीव मिलता है और राहत मिलती है। तो मैं अनीता आर म्यूजिक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानती हूँ आज थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं म्यूजिक के बारे में। कहते हैं जब एक गर्भवती महिला म्यूजिक सुनती है तो उसका बच्चा उसके गर्भ में प्रतिक्रिया करता है, उसकी प्रतिक्रिया पहले से ज्यादा तेज हो जाती है। और ऐसा भी सुनते हैं कि यदि फूलों के आसपास म्यूजिक चलता रहे तो फूल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, फूलों का पौधा, और फूल जल्दी नहीं मुरझाते हैं। और अगर हम आगे बात करें कि हमारा मनपसंद गाना हमारा पसंदीदा इसलिए होता है क्योंकि उसमें आए शब्द, प्रयोग हुए शब्द कहीं ना कहीं हमारे जीवन के बहुत करीब होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। हम आगे बढ़ते हुए म्यूजिक की बात करते हैं, जब हम कार्य करते हुए म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं आपको आगे बताती हूँ, जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो उस समय हमारी धड़कनें म्यूजिक गुनगुनाती है, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। और दोस्तों म्यूजिक के बारे में अगर मैं बताऊँ तो म्यूजिक क्या, जिस तरह का म्यूजिक हम सुनते हैं हमारा नज़रिया उस तरीके का होता है और हम दुनिया को उसी नज़र से देखने लगते हैं। इसलिए हमें सदैव हमें बहुत ही सकारात्मक जो है म्यूजिक सुनने चाहिए, अच्छे खुशी वाले म्यूजिक सुनने चाहिए जो हमारी सोच को सकारात्मक करे। अभी तो आपने सुनी थी म्यूजिक के बारे में मुझसे बातें, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं काव्यांश की म्यूजिक की तैयारी। काव्यांश को म्यूजिक का बहुत शौक है। अभी तो स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, जब ऑफलाइन थे काव्य की हमेशा कोशिश रहती थी कि जो मॉर्निंग असेंबली है उसके अंदर वह म्यूजिक अंदर पार्टिसिपेट करें, मॉर्निंग प्रेयर करें, एंड जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें भी काव्य हमेशा पीछे से म्यूजिक दिया करता था। तो अभी हम काव्य की तैयारी देखेंगे। और हाँ, उसके अलावा एक बड़ी खास बात बताती हूँ, आज मॉर्निंग में हमने स्कूल में मजे किए जिसके अंदर हमारा साथ दिया था संतोषपुरी सर म्यूजिक टीचर ने एंड मंगेश सर ने और मैंने, हमने बच्चों के लिए एक छोटा सा गाना जो है सिंग किया मॉर्निंग में और हमें बहुत मजा आया। वीडियो के अंदर मैं उसको भी जो साथ में अपलोड करूंगी आप जरूर। हेलो गाइस, मैं हूँ काव्यांश और मैं अपनी म्यूजिक की तैयारी कर रहा हूँ, चलो आप भी आके इस धुन को सुनिए। सेवा करना
सुखी की सेवा करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। थैंक यू बच्चों।